जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एमपी टेट पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सिलेबस के आधार पर है ना। सबसे पहले जो पर्यावरण में हमारा सिलेबस है वो क्या है, हमारा परिवार हमारे मित्र, ठीक है। उसी आधार पर आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है, तो जल्दी से उत्तर हमें बताना है। तो उत्तर होगा 21 से 18 वर्ष, ठीक है। 21 से 18 वर्ष मतलब लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़कियों की आयु 18 वर्ष, ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष है। ये हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो परिवार से संबंधित हैं उनमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके दो बच्चे होते हैं, यह कथन कैसा है। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी होगा, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। मतलब जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले देते हैं, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपको पता होगा कि परिवार से। बच्चा अगर समाजीकरण सीखता है तो कहाँ से सीखता है, सबसे पहले परिवार से सीखता है। परिवार बालक का प्राथमिक विद्यालय माना जाता है, जहाँ वह अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है तथा समाजीकरण की प्रक्रिया भी शुरुआत करता है, ठीक है। इसलिए परिवार को समाजीकरण का जो है पहली पाठशाला भी कहा जाता है बच्चे की। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है सभी को याद रखते जाना है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक समाजीकरण है तो प्राथमिक समाजीकरण क्या है। प्राथमिक जो समाजीकरण है वो शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, ये प्राथमिक समाजीकरण माना जाता है, ठीक है। सभी लोगों को याद रख लेना है, बच्चों को समाजीकरण की शुरुआत बच्चे के परिवार मित्र तथा अन्य लोगों से होती है। इसे ही प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं, जो स्कूल जाने से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, सभी को पता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, एकल परिवार से तात्पर्य है। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है। वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे उनके माता पिता एवं दादा दादी सभी, केवल पति पत्नी। तो उत्तर हो जाएगा परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। एकल परिवार में माता पिता आते हैं और उनके बच्चे आते हैं, बी नंबर का इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते, निम्न में से कौन सा कथन सही है। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। मतलब यहाँ पर सही बताना है तो दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी जो विकल्प नंबर सी है ये सही हो जाएगा। दहेज सामाजिक बुराइयों में दहेज तथा बाल श्रम प्रमुख बुराइयां हैं। इन बुराइयों का प्रमुख कारण क्या है, अशिक्षा एवं गरीबी, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो वो पारित किया गया 2006 में, ठीक है। 2006 में ये पारित किया गया बाल विवाह निषेध अधिनियम, और 2007 में ये लागू कर दिया गया। तो याद रख लेना, आपसे पूछा जाएगा बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया, तो उत्तर होगा 2006, और लागू कब किया गया, तो 2007, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। यहाँ पर प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पर नहीं है पूछा गया, मतलब प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, ये परिवार की विशेषता नहीं होती। बी नंबर जो विकल्प है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, शारदा एक्ट, ठीक है। तो शारदा एक्ट का संबंध है दोस्तों बाल विवाह से, सभी लोगों को याद रख लेना है, शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह से, आपसे पूछा ही जाएगा। शारदा एक्ट 1929 का संबंध बाल विवाह से संबंधित था, जिसमें विवाह के लिए लड़कों तथा लड़कियों की आयु का निर्धारण किया गया था। इस एक्ट के तहत लड़कों की आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों की आयु 14 वर्ष तय की गई थी,
ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि इस एक्ट के तहत लड़के लड़कियों की आयु क्या निर्धारित की गई थी, ऐसा भी आ सकता है। ये एक्ट जो है ये कब आया था, 1929 में, ये भी पूछा जा सकता है। और शारदा एक्ट संबंधित है तो बाल विवाह से संबंधित, ये भी पूछा जा सकता है। मतलब यहाँ तीन चार प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है, तो सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है ये सभी, बाल विवाह भी है, बाल श्रम भी है और दहेज भी है। ठीक है, समाज में दोष उत्पन्न करने वाले तत्व तो सामाजिक बुराइयां कहलाती हैं। इसके अंतर्गत बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम आदि सभी बुराइयां आती हैं। मतलब 10 का जो उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी इसका सही और भी उत्तर हो कुछ जाएगा। ठीक महत्वपूर्ण है, प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है, तो आपको बताना है। चार विकल्प हैं, महात्मा गांधी, क्रो क्रो, अरस्तु या फिर मैकाइवर। अगर आपसे बनता है तो जल्दी उतारें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह जो कथन है वो किसका है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरस्तु, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा किस प्रकार के परिवार में कलह की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, तो प्रश्न क्रमांक दूसरे का उत्तर आपको बताना है। तो दूसरे का जो उत्तर होगा दोस्तों संयुक्त परिवार, यानी कि जो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। संयुक्त परिवार सभी लोग जानते होंगे, जिसमें दादा दादी, ताऊ चाचा चाची सभी लोग साथ रहते हैं, वो संयुक्त परिवार है। और इसमें कलह की जो संभावना होती है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है एकल परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर रहते हैं, कथन सत्य है, तो कथन आंशिक रूप से सत्य है, बिल्कुल असत्य है, पूर्ण रूप से सत्य है या इनमें से कोई नहीं, तो जल्दी से बताना। एकल परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर रहते हैं, तो तीसरे का उत्तर है पूर्ण रूप से सत्य है, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और रोज शाम को 6:30 बजे आपका बाल विकास और पर्यावरण से संबंधित लाइव क्लास होती है उससे जुड़ें। रोज दोपहर 2:30 बजे बाल विकास की लाइव क्लास होती है तो उससे जरूर जुड़ें। ठीक है, और पर्यावरण की टेस्ट सीरीज मैं आपको निरंतर अपलोड कर रहा हूँ, तो वो जरूर देखते रहें। परिवार की विशेषता नहीं है, अब यहाँ पर बनाना है, परिवार की विशेषता नहीं है तो क्या नहीं है, विवाह एवं यौन संबंध, समाज विरोधी कार्य करना, वंश परंपरा, सार्वभौमिक संगठन। तो परिवार की विशेषता नहीं है, समाज विरोधी कार्य करना, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ये परिवार की जो है वो नहीं है, तो याद रख लेना है सभी को, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर चर्चा किया गया है, किसके ऊपर चर्चा की गई, मादक पदार्थ, बाल श्रम, दहेज प्रथा या फिर सती प्रथा, तो पांच का उत्तर हो जाएगा दोस्तों बाल श्रम। बाल श्रम पर प्रत्यक्ष रूप से जो है संविधान में चर्चा की गई, यानी जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर बताना है, परिवार से संबंधित है इसलिए जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो छठवें का उत्तर हो जाएगा, आप लोग अगर बनता है तो कमेंट में लिखते जाएं, उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम जो प्रयास किया वो राजा राम मोहन राय ने किया, यानी जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा, सभी को पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना, जल्दी बताओ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना, 1952, 1955, 1950 या फिर 1956। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर बताना है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बना 1956, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हमें बताना है, बालक को सर्वप्रथम समाज में आपस में मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी जाती है, राष्ट्र द्वारा, समाज द्वारा, पड़ोस या परिवार, जल्दी बताओ। 8 का उत्तर सभी को बताना है, तो सर्वप्रथम समाज में आपस में मिलजुल कर रहने की जो शिक्षा दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है, परिवार के द्वारा, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, जल्दी से हमें बताना है कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपका बनेगा। तो सभी को पता है कि जब हम परिवार पढ़ रहे हैं और परिवार ही समाज की सबसे छोटी इकाई है, तो विकल्प नंबर जो बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट में जरूर अपने विचार देते जाएं। जिस परिवार में सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दायित्वों के क्षेत्रों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की प्रधानता होती है, उस परिवार को क्या कहते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार या फिर मात्र सत्तात्मक परिवार या मात्र वंशीय परिवार। तो सभी जानते हैं कि जिस परिवार में माता जो है प्रधान होती है तो वो मात्र सत्तात्मक परिवार होता है, यानी जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा।
अब हमें बताना है कि ऐसे परिवार जिनमें परिवार की सत्ता किसी पुरुष सदस्य के हाथ में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? पुरुष सत्तात्मक परिवार, है ना, पितृ सत्तात्मक परिवार, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, बेस्ट मार्क के अनुसार प्रारंभिक परिवार किस प्रकार के होते हैं? जल्दी से हमें बताना है उत्तर, उत्तर बताना है प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी लिखो। बेस्ट मार्क के अनुसार प्रारंभिक परिवार किस प्रकार के परिवार होते हैं? तो बहुविवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह या एक विवाह? तो बेस्ट मार्क के अनुसार प्रारंभिक परिवार जो होते हैं वो एक विवाह, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, परिवार के सदस्यों में मतैक्य और निष्ठा का समाप्त हो जाना, संबंधों का टूट जाना, पृथकता में विकास हो जाना क्या कहलाता है? जल्दी बताओ, परिवार के सदस्यों में मतैक्य और निष्ठा का समाप्त हो जाना, संबंधों का टूट जाना, पृथकता में विकास हो जाना क्या कहलाता है? सामूहिक विघटन, पारिवारिक विघटन, व्यक्तिगत विघटन या फिर तलाक? 13 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। तो सभी को पता है कि अगर परिवार के सदस्यों में मतैक्य निष्ठा का समाप्त हो जाए, संबंध टूट जाए, तो पारिवारिक विघटन हो जाता है। ठीक है, बोलते ना कोई अलग हो जाते हैं, अलग रहने लगती, पारिवारिक विघटन, जिसके कारण एकाकी परिवार बनते हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार टूट करके एकाकी परिवार का निर्माण होता है, तो इसे पारिवारिक विघटन कहा जाता है, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही होगा। परिवार की संपत्ति में परिवार के सभी सदस्य अधिकार जन्मजात होता है, ये जो नियम है वो काय का नियम है? जल्दी बताओ, उत्तर हमें बताना है तो फटाफट बताना है, जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा, जल्दी से कमेंट में लिखें फटाक से, उत्तर क्या हो जाएगा? परिवार की संपत्ति में परिवार के सभी सदस्य अधिकार जन्मजात होते हैं, ये मिताक्षरा का नियम है, यानी जो विकल्प नंबर एक है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन एक संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी है? समाजवाद, व्यक्तिवाद, ग्रामीणवाद या फिर नगरीवाद? 15 का उत्तर सभी लोगों को बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी लिखें, संयुक्त परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी है तो वो क्या है? 15, 15 का उत्तर हो जाएगा ग्रामीणवाद, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मनु के मतानुसार कौन सा विवाह सर्वोत्तम है? प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर, मोस्ट इंपोर्टेंट, मनु के अनुसार कौन सा जो विवाह है वो सर्वोत्तम है? जल्दी से बताना है, पिशाच विवाह, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह या राक्षस विवाह? आपका सही उत्तर होगा ब्रह्म विवाह। मनु के मतानुसार विवाह का जो सर्वोत्तम है वो ब्रह्म विवाह, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अधिनियम के आधार पर हिंदू विवाह को एक सामाजिक समझौता माना जाता है? तो जल्दी से कमेंट में लिखना है, इम्पोर्टेंट है। 17 का उत्तर क्या होगा? हिंदू विवाह को एक समझौता, सामाजिक समझौता माना जाता है, वो है हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम 1955। इस अधिनियम के तहत जो है हिंदू विवाह को एक सामाजिक समझौता माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यावरण का जो हमारा टॉपिक है, हमारा परिवार, हमारे मित्र से संबंधित, जो भी परिवार से संबंधित, विवाह से संबंधित आदि जो भी नियम थे, जो भी अधिनियम थे, उनको भी जाना, महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, है ना, और वीडियो को शेयर करें। आपको निरंतर इसी प्रकार से सिलेबस के अनुसार ही वीडियो मिलेंगे, सिलेबस के अनुसार प्रश्न मिलेंगे। इसकी प्लेलिस्ट भी आपको बना दी गई है, तो वो देखें। शाम को आपको 6:30 बजे लाइव क्लास मिलती है बाल विकास और पर्यावरण की, वो आपको देखना है। साथ ही आपको 2 बजे, दोपहर 2:30 बजे आपको बाल विकास की क्लास मिलती है, तो वो जरूर देखें लाइव क्लास। और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड होगा, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना है और शेयर अवश्य करना है। जय हिंद।